लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं सच कहता हूँ, मैंने आपसे झूठ कहा था। उस रात को मैं पाइप से नहीं उतरा था, उस रात को मैं मेरी बीवी के साथ भी नहीं था। अरे उस रात को तो क्या, मैं तो हनीमून की रात को भी अपनी बीवी के साथ नहीं था। हर मर्द की यही कहानी है। लेकिन मैं मर्द। सर, इनके भी फुटप्रिंट मैच हो रहे हैं। अब क्या कहना है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूँ। और उस रात को तो मैं कसीनो में था। ये रहा उस रात, ये भी कसीनो में था और ये अपना सारा पैसा हार गया था और पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था। क्या बात करता है? एक मिनट, मेरा हस्बैंड गैम्बलर है, झूठा है, निकम्मा है, चोर है, फ्रॉड है, कुछ भी कर सकता है ये, लेकिन ये किसी का खून नहीं कर सकता। मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? नट्स, आ गई मेरी एंजल वाइफ। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे पूछ लीजिए। डार्लिंग, सच सच बताना, उस रात मैं कहाँ था? मेरे साथ अपने रूम में। नहीं नहीं डार्लिंग, इनको सच बताओ। देखो, सच कितना भी शर्मनाक हो, बेशर्म होके बता दो, सच बताओ मैं कहाँ था? अपने बिस्तर पर, मेरी बाहों में। अरे देवी, वो हैंडसम कौन था जो उस रात तुम्हारे साथ बेडरूम में था? इनको सच बताओ। सच बताओ? हाँ, वो गांधी जी वाला सच बताओ इनको। मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल का तो सिर्फ गाउन था, कैरेक्टरलेस। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठी, मक्कार और कैरेक्टरलेस है। वो प्लेबॉय रॉकी था उस रात मेरे कमरे में इसके साथ, और वही बालकनी से उतर के गया होगा हवेली में, फ्रॉड साला। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। रॉकी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वेरी हेल्पफुल। मेरी वाइफ मुझे हमेशा बताती है कि औरतों की मदद करने के लिए वो आधी रात को भी तैयार रहता है। सर, शट अप, बुलाओ उसको। मेरी वाइफ को सर? रॉकी को। सर, तुम हो प्लेबॉय रॉकी? यस। 9820420420। सोनिया चैंग के मर्डर के रात तुम 12:30 बजे के करीब कहाँ थे? उस रात मैं एक सेक्सी सुंदर लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया था। अरे तू भूल जा जो मैंने कहा था। तू इनको बता दे कि तू उस रात मेरी बीवी के साथ बेडरूम में था, बता दे इनको। कैसी बात कर रहे हैं आप? सॉरी, मैं आपकी बीवी को बदनाम नहीं कर सकता। अरे मेरी बीवी की चिंता तू क्यों कर रहा है यार? बता दे, मुझे ये बदनामी चाहिए, मुझे कलंकी नहीं चाहिए। कर बदनाम, करना यार। सॉरी, मैंने आपको जबान दी है। I can't do that. I'm a man of principles. अरे प्रिंसिपल तोड़ दे बने हो मेरी हड्डी। ये सर, ये सर। क्या हुआ? ये सर, सोनिया मैडम का खूनी यही है। उस रात बंगले के अंदर मैंने यही दो पैर और यही दो आंखें देखी थी सर। बोल तू, ये जो कह रहा है वो सच है? हाँ बोल। रॉकी, लड़कियों के साथ खेलना अलग बात है, कानून के साथ खेलोगे तो ऐसी लॉन्ग ड्राइव पर भेजूंगा कि कभी लौट कर नहीं आओगे। सच सच बताओ, उस रात हवेली क्यों गए थे? ऑफिसर, सच बात यह है कि उस रात मैं ही मिस्टर नटवर के बेडरूम में था उनकी वाइफ के साथ। या सी, वो अपसेट थी और रॉकी किसी ब्यूटीफुल लेडी को अपसेट नहीं दिख सकता। हाँ तो ग्रेसी, कहाँ से शुरू करें? आई एम सॉरी रॉकी, मैं बहुत अपसेट थी, किसी की कंपनी की जरूरत थी। नाउ आई एम ओके। मुझे लगा कि मिस्टर नटवर आ गए हैं, इसलिए दरवाजे की बजाय मैं बालकनी से निकला और पाइप से होकर सोनिया मैडम के बेडरूम में जा पहुंचा। जैसे ही बेडरूम से निकलने वाला था मैडम, कि नीचे से राज और प्रिया की आवाज सुनाई दी। मैडम, मैं आपका बच्चा लेकर आ गया। सॉरी मैडम, हम आपका बच्चा लेकर आ गए। मैंने छिपकर देखा, ये दोनों बच्चा लेकर आ गए थे। लगता है मैडम इंतजार करते करते सो गए। कमाल है, हम लोग 25 लाख का बैरर चेक लेकर आए और बैंक सो रहा है। चलो ऊपर। ये दोनों ऊपर आकर मैडम को ढूंढने लगे, इसलिए मैं छिप गया। इनके जाने के बाद मैं नीचे उतरा, लेकिन तभी राज बच्चा लेने वापस लौटा।
और मुझे पार्टीशन के पीछे छिप जाना पड़ा। उसी वक्त राज ने मेरे दो पैर और मेरी दो आंखें देखी। That's it. जब तुम बेडरूम में गए थे तो वहां क्या देखा? वहां सब बिखरा हुआ था। तुम्हारी भी कहानी अच्छी है। कमाल की बात है सर, मर्डर एक हुआ लेकिन कहानी सबकी अलग अलग है। लेकिन अब मेरे और कातिल के बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कातिल ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने हवेली में एक ऐसा सबूत छोड़ा है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। आज रात को मैं वो सबूत हासिल करूंगा और कल सुबह यहीं सबके सामने उस कातिल को बेनकाब करूंगा। अब आप सब जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक मिनट, यहां से चाइना टाउन छोड़कर नहीं, हर एग्जिट पर पुलिस का पहरा है। रिलैक्स यार, आज चाइना टाउन की सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन है, वहां जाइए, नाचिए, गाइए, एंजॉय कीजिए। टेंशन लेने की जरूरत सिर्फ कातिल को है, सिर्फ कातिल को, बाकी सब नाचेंगे गाएंगे। नहीं जाना है तो एक दो सेल खुलवा दूं? अरे नहीं, चलो हम लोग जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे चलो ना सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। हमने हवेली के हर कोने को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया सर, अब वहाँ ऐसा कौन सा सबूत है जिसे आप लेने जा रहे हैं? दरअसल हवेली में कोई सबूत है ही नहीं। अच्छा, मैंने इन्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि गुनहगार को सबूत छूट जाने का डर हमेशा रहता है और उसे मिटाने की कोशिश करता है। इनमें से जो भी कातिल होगा वो आज रात को सबूत को मिटाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। Right, और वही कदम उसे एक्सपोज करेगा। रेलवे स्टेशन कनेक्ट करके दो। सर, यू आर जीनियस सर। सॉरी सर। यस मैडम, इंस्पेक्टर सबूत लेने हवेली जाने वाला है। डोंट वरी, मैं भी उसके पीछे हवेली जाऊंगा। इससे पहले कि उसे सबूत मिले मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। कौन है? Hey, अंदर कौन है? कौन है?